Yes, up to this question we have done. Now let us see what is given in 14th question. Very easy. Only instead of tabular form, now we are given all the values in statement form. So let us see what to do. If national income is 50 crore and saving 5 crore, find APC, average propensity to consume. Okay. Now values we are given related to saving and income. और पूछा गया है हमें find out APC. Nothing to worry. You can firstly calculate APS. ठीक है, APS formula क्या है? S over Y. ठीक, तो S की value क्या है? 5 divided by income is 50. कितना आ गया? 5 over 50. 0.1. ठीक है, तो ये हो गया APS. निकालना है हमने APC. Now we know the relation. Again you write the equation APC plus APS is equal to 1. ठीक है, now find out APC. APC, तो APC का फॉर्मूला क्या बन गया? That is equal to 1 minus APS. तो ये हो गया 1 minus 0.1, तो ये बच गया 0.9. ठीक है, 9 के आगे 0 लगाना है या नहीं लगाना, hardly matters, 0.9. तो this was related to first line. Now what is the second line? When income rises to 60 crore and saving rises to, saving के साथ rises नहीं लिखा है, तो अपने आप ही line के जो frequency चल रही है, the sense in which line is going on, so that also means ki income rises to 60 crore and saving rises to 9 crore. What will be APC and MPS? Okay? So APC, again, pehle aap karenge. Now new income is 60 and new saving 9. So divide kar dijiye 9 over 60. Jo bhi APS aayega, usko 1 mein se subtract kar dijiye. You will get APC. Theek hai, pehle you find out APS. फॉर्मूला एस ओवर वाई, और एस क्या है? न्यू एस है 9 डिवाइडेड बाय 60. अभी आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो आई कांट टेल यू द आंसर. ठीक है, जो भी आएगा सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम 1, यू विल गेट एपीसी. ये एक पार्ट हो गया. उसके बाद पूछे फाइंड एमपीएस. ठीक, अब एमपीएस के लिए नाउ टू वैल्यूज आर गिवन. फर्स्ट इनकम है 50 और बाद में बढ़ के हो गई है 60. तो व्हाट इज द चेंज इन इनकम? 60 माइनस 50, 10 करोड़ का डिफरेंस आया ना. दोनों लाइंस को आप ध्यान से पढ़ो. पहले बताया कि इनकम इज 50 करोड़, आफ्टर दैट दे हैव सेड कि इनकम हैज इंक्रीज टू 60 करोड़. तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू, या डेल्टा वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 50, दैट इज 10 करोड़. ठीक, सिमिलरली चेंज इन सेविंग कितना है? पहले है 5, बाद में हो गया 9. तो चेंज इन सेविंग हो गया 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 करोड़. तो एम पी एस विल बी क्या निकालना है? एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई. तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 10, 0.4. ठीक है, मतलब हमें दो वैल्यूज बता दी हुई हैं दो लाइंस में, और अलग अलग तीनों चारों चीजें हमें पूछ ली हुई हैं. तो अपने स्टेटमेंट में भी ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक, ये तो सिंपल था. नाउ नेक्स्ट 15th क्वेश्चन. अब यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है. 15th क्वेश्चन इज यूजिंग कंजम्पशन फंक्शन. यहाँ उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दिया ना, सी बार लिखा है. हम लोग सी बार सेविंग फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम. हमने अपना ही इक्वेशन चलानी है, ए प्लस बी वाला, बी वाई वाला ही लिखेंगे. कैलकुलेट सेविंग एट इनकम ऑफ 2000 करोड़ इफ ऑटोनमस कंजम्पशन इज 150 करोड़ एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड. नाउ लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. पहले देखो, हमें दिया है कंजम्पशन फंक्शन, फिर हमें बताया है कि सेविंग एट इनकम ऑफ 2000, कि तब बताना है हमने, कैलकुलेट करनी है सेविंग जब हमारा इनकम लेवल इज 2000. तो देन वी हैव टू सी कि भाई सेविंग कितनी है. उसके बाद बताया है ऑटोनमस कंजम्पशन वैल्यू दिया हुआ है. तो अब आप पहले लिखो जरा वैल्यूज, जो वट एवर इज गिवन उसको हम पहले लिख लेते हैं. लेट अस सी हाउ टू राइट. यस, नाउ प्लीज सी दिस 15th क्वेश्चन. ठीक है, पहले आप देखो क्या लिखा हुआ है. फर्स्टली वी हैव रिटन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई. ठीक है, जो हमारी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है, जो हम जैसे हमने स्टार्ट किया. ठीक है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई. अब हमें क्या दिया हुआ है? गिवन इनकम दिया हुआ है 2000. ठीक है, ए हमें दिया हुआ है, स्मॉल ए इज गिवन, ऑटोनमस कंजम्पशन दैट इज गिवन 150. तो ऐसे ही लिख लो, साथ में लिख के गिवन. प्लीज राइट डाउन, नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो. आफ्टर दैट इट इज गिवन कि भाई 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड. मतलब कि अगर 100 रुपये इनकम है तो उसमें से 40 रुपीज कंज्यूम कर लिए जाते हैं, खर्च लिए जाते हैं. तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली वी हैव बीन टोल्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ एमपीसी. एमपीसी इसका मतलब हो गया, इट मींस एमपीसी इज इक्वल टू 40%. 40% इधर देखो, 40 बाय 100 कितना हो गया? 0.4.
तो हमें ये खर्च के बारे में, कंजम्पशन के बारे में वी हैव बीन टोल्ड, तो यहाँ वी विल राइट 0.4. हाउ हैव वी कम टू नो अबाउट दिस, वी हैव कम टू नो अबाउट दिस एमपीसी की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. जब जहाँ लिखा है कि 40% एडिशनल इनकम, एडिशनल वर्ड आ गया ना, तो इससे हमें हिंट मिल गया कि ये एमपीसी की वैल्यू है. तो ये हो गया 40% का मतलब 40/100.4. तो अगर एमपीसी 0.4 है, तो अगर हमने निकालना हो एमपीएस एक साइड पे अगर मान लो लिखना हो, तो क्या करेंगे, 1-0.4, तो वो हो जाएगा 0.6. यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे ही बता रही हूँ अभी, ठीक है. अच्छा, उसके बाद नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन कंजम्पशन फंक्शन. नाउ वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज. सी इज इक्वल टू ऑटोनमस कंजम्पशन की जगह उसकी वैल्यू 150 प्लस बी की जगह, ये वाला बी उसकी जगह लिख लिया 0.4, ठीक है, 0.4 इंटू वाई की जगह, ये वाले वाई की जगह वाई की वैल्यू 2000, ठीक है. नाउ जस्ट कैलकुलेट, 0.4 का हो गया ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, 0 और 0 कट गई, ये सारा कुछ करके आ जाएगा 800. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कैलकुलेट योर सेल्फ, ठीक है, इट्स क्वाइट पॉसिबल टू एर इज ह्यूमन, मेरे से भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है. तो ये आ गया 800 प्लस 150, ये हो गया सी इज इक्वल टू 950, ठीक. अब हमें सरप्राइजिंगली वी वर नॉट आस्ड अबाउट कंजम्पशन, हमें चीजें कंजम्पशन के बारे में बता दी थी और पूछा क्या था कि वी फाइंड आउट सेविंग व्हेन इनकम लेवल इज 2000, यही पूछा था ना, सीधा सेकंड लाइन. तो अब सेविंग का फॉर्मूला क्या है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. इनकम के लिए लिख दिया वाई, वाई माइनस सी का मतलब कंजम्पशन. तो इनकम कितनी दी हुई थी, ये देखो 2000 माइनस कंजम्पशन हमने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ ये फंक्शन सारा, इट हैज कम आउट टू बी 950, माइनस कर दे तो यू विल गेट 1050. अब उसके आगे ये देख लेना कि अगर स्टेटमेंट में वैल्यूज आर गोइंग इन टर्म्स ऑफ रुपीज करोड़, रुपीज लैक्स, जो भी टर्म चल रही है वो अपने साथ में लिख लेना. कई बार हम जल्दी में भूल जाते हैं, हो सकता है किसी जगह मैंने भी ना लिखा हो तो, बट यू नीड टू बी केयरफुल, अगर रुपीज करोड़ है, रुपीज लैक्स है, तो साथ में मेंशन कर देना. इज इट क्लियर बेटे, ठीक है, लेट मी सी, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर बेटे. हरलीन कौर, समझ आ गया बेटे, वसुंधरा, तन्मीत, ओके. चलो नाउ लेट अस ट्राई टू डू 16th क्वेश्चन, लेट अस सी व्हाट इज गिवन. 16th क्वेश्चन, प्लीज रीड द स्टेटमेंट. 16th, सेविंग फंक्शन इज गिवन, आगे फंक्शन की वैल्यू इज गिवन, डिटरमिन, आगे थ्री थिंग्स आर टू बी कैलकुलेटेड, कंजम्पशन फंक्शन, सेकंड कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 600 रुपीज करोड़, एंड ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है. तो घबराना नहीं है कि हमें बताया तो कुछ है नहीं और निकालना इतना कुछ है, वेरी इजी, वेरी इजी. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ प्लीज सी द स्लाइड, सी दिस स्क्रीन, 16th क्वेश्चन ये वाला, ठीक. फर्स्टली सबसे पहला काम होता है, जो कुछ भी हमें स्टेटमेंट में दिया है राइट एज इट इज. तो पहले हमने लिख लिया सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू, प्लीज राइट द वैल्यू, -120 प्लस 0.4y, ठीक है, ये लिख लिया. अब आप इसके नीचे सेविंग फंक्शन की वैसे जो इक्वेशन होती है वो भी लिख लो, एस इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, अदरवाइज जो हम सिंपली वैसे ही लिखते हैं ना, एस इज इक्वल टू सी बार, स्मॉल सी बार प्लस बी वाई, एक साइड पे लिखिए. अब वो जो सी बार है उसका मतलब क्या होता है, सी बार मतलब दिस सेविंग्स, यही होता है ना मतलब सेविंग फंक्शन में. तो दैट मीन्स कि ये जो माइनस 120 है ये कुछ भी नहीं है, ये डिस सेविंग्स है, ठीक. और ये जो 0.4 है ये क्या है, एमपीएस है, और ये वाई एज इट इज इनकम ही है, ठीक. अच्छा, अब हमने क्या करना है, वी नो, यहाँ लिख लो, इधर तो मैंने लिख दिया फाइंड जो निकालना था वो यहाँ लिख दिया, एनी हाउ अब आपने लिखना है वी नो. आगे आप लिखो एट ब्रेक इवन पॉइंट, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, ठीक है, सी इज इक्वल टू वाई, यही होता है ना, याद है कंजम्पशन फंक्शन वाला डायग्राम, उसमें ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ था, जहाँ सी और वाई की लाइंस कट करती हैं, इक्वल होती हैं. अब क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन सेविंग फंक्शन, फर्स्टली वी कैन फाइंड कंजम्पशन फंक्शन ऑल्सो, क्योंकि हमें यहाँ सी चाहिए और सी के बारे में दिया कुछ नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेम दिस लाइन. तो सी का फंक्शन क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, है ना. सी वाले फंक्शन में ए का मतलब ऑटोनमस कंजम्पशन, बी का मतलब एम पी सी, और वाई का मतलब इनकम, राइट. अब क्या करना है, अब बिल्कुल आप देखो कंपेयर करो, ये हो गया हमारा सी फंक्शन. अगर ये सेविंग फंक्शन में माइनस 120 डिस सेविंग्स है,
तो दैट मींस इनडायरेक्टली वी हैव बीन टोल्ड कि ये कंजम्पशन फंक्शन में यही वैल्यू क्या हो जाती है, दिस इज कॉल्ड ऑटोनमस कंजम्पशन। डिस सेविंग में हम इसको माइनस का साइन लगा के लिखते हैं, और कंजम्पशन फंक्शन में उसी चीज को क्या देते हैं, क्या कहते हैं, जीरो लेवल के ऊपर जो खर्च किया था दैट इज 120। अब यहाँ माइनस नहीं लगाना क्योंकि यही हमारी कंजम्पशन फंक्शन में, जो सेविंग में डिस सेविंग होती है वही कंजम्पशन फंक्शन में हमारी ऑटोनमस कंजम्पशन होती है। तो हियर वी हैव रिटन 120 प्लस बी वाई। बी का मीनिंग होता है सी वाले फंक्शन में एमपीसी, ठीक है। अब हमें एमपीसी नहीं पता, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं एमपीसी किसके बराबर थी हमारे पास, ये सेविंग फंक्शन में एमपीएस दिया हुआ है 0.4, ठीक है, ये एमपीएस दिया हुआ है 0.4। तो अब इक्वेशन लगा लो, सो एमपीसी क्या हो जाएगी, 1 माइनस एमपीएस, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4, ये आ जाएगी 0.6, ठीक है। मतलब हमने इसी की हेल्प से सब कुछ देख लेना है कैसे करना है। तो 0.4 को 1 में से माइनस कर दें, वी विल गेट 0.6, तो दिस विल बी अवर एमपीसी। आगे वाई ऐसे ही लिख देंगे, अभी वाई के बारे में कुछ नहीं पता हमें। तो ये एटलीस्ट हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। आई फॉरगॉट टू राइट हियर, यहाँ आपने नंबरिंग कर लेनी है, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पूछा है कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 600 करोड़, वो हमारी बाद में निकलेगी बिकॉज उसके पहले हमें कुछ और भी निकालना पड़ेगा, पहले थर्ड पार्ट कर लेते हैं। आपने जब पेपर में करोगे तो फर्स्टली यू डू ऑल दीज थिंग्स इन रफ वर्क, बट फेयर वर्क में सीक्वेंस में ही करना है जैसे भी पूछा गया हमें, ठीक है। अब क्या करना है, एट ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, ये हमें ऑलरेडी वी नो। अब कंजम्पशन की जगह, ये कंजम्पशन मीन्स कंजम्पशन फंक्शन, तो इन प्लेस ऑफ दिस सी प्लीज राइट द वैल्यूज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। सी की जगह ये सी की वैल्यूज लिख लेनी है, सी माने कंजम्पशन फंक्शन। तो वैल्यूज क्या है, 120, ये वाली 120 प्लस 0.6y, प्लीज सेम राइट द सेम 120 प्लस 0.6y, ये हो गया सी की वैल्यू। ये आ गया इक्वल टू का साइन, ये वाई एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब ये वाई वाई वाली चीजों को एक तरफ ले जाओ, ये बच गया 120 इज इक्वल टू, ये वाई है, वाई का मतलब सिंगल वाई है ना, 1y, तो 1y लिखना है, 1 लिख लो, नहीं भी लिखना तो भी ठीक है। ये प्लस के 0.6y आफ्टर कमिंग टूवर्ड्स दिस साइड ये माइनस के हो जाएंगे, है ना। तो 1y में से 0.6y माइनस कर दो, कितना बच गया, 0.4y। 1 में से 1 में से 0.6 माइनस किया तो बचता है ना 0.4, तो वैसे साथ में y लिख दिया तो ये बच गया 0.4y इज इक्वल टू 120, ठीक है। यहाँ और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो निकालना होता है मतलब कंफर्टेबली कई बार जल्दी में हम ऐसे लिखते हैं ना, 0.4y इधर लिख लो इक्वल टू 120 इधर लिख लो, बात तो एक ही है। 3 + 2 इज इक्वल टू 5, चाहे आप लेफ्ट साइड पे 5 लिख दो चाहे राइट पे लिख दो, है तो दोनों का टोटल 5 ही है, जैसे मर्जी लिख लो। तो ये हमने ऐसे लिख दिया, उसके बाद y निकाल लो, ये 0.4 इधर आके डिवाइड कर देगा, ये सारा कुछ कर कर आके हमारे पास आ जाएगा इनकम 300। इनकम इज इक्वल टू 300। अब चेक कर लो, ये हमारा थर्ड पार्ट हुआ है अभी, ठीक है। अभी मैंने आई फॉरगॉट टू सॉल्व सेकंड पार्ट, बट एनी हाउ वी कैन डू नाउ, यू प्लीज ऑल आर रिक्वेस्टेड टू डू सेकंड पार्ट, कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 600 करोड़। अब आप सेकंड पार्ट नंबर लिख के यही सी फंक्शन लिख लो, सी इज इक्वल टू 120 प्लस 0.6y, ये लिख के उसके बाद नेक्स्ट लाइन में y की जगह y की वैल्यू इज गिवन 600 करोड़, तो हो जाएगा 120 प्लस 0.6 इंटू 600। सॉल्व कर लीजिए, फिर चेक करिए व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग। आ रहा है बेटे 480 है ना आंसर, हाँ जी 480 आ रहा है। यस मैम। वेरी गुड, शाबाश, दैट मींस इट्स क्लियर, वेरी गुड। एक्चुअली जल्दी जल्दी में करते करते मेरा ध्यान ही नहीं गया, आई फॉरगॉट टू कैलकुलेट दैट वैल्यू, मुझे लगा कि आई हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन। नो प्रॉब्लम, जो भी वैल्यू दी हो, कंजम्पशन पूछा है तो उसकी जगह वाई की वैल्यू पुट कर दो। अगर पूछा होता कि टेल सेविंग एट दिस लेवल ऑफ इनकम, कोई भी आगे वैल्यू दिया है, कुछ भी नहीं करना, राइट द फंक्शन, जो भी वाई की वैल्यू दी हो वो पुट कर दो, तो हमें अदर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नाउ प्लीज ट्राई टू डू 17th क्वेश्चन यूर सेल्फ। अब ये सिंपल है, कोशिश करिए। मैंने कोशिश किया है कि वो क्वेश्चन निकालूं ताकि आपको जो थोड़े से डिफरेंट है, जो सेम टाइप के हैं वो आप अपने आप ही करेंगे,
Now please solve 17th question. Now in the meantime, let me see all children are doing or not. Consumption function is given. तो पहले आप राइट डाउन सी की वैल्यू लिख लो, सी फंक्शन लिख लो. डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एम पी सी एंड एम पी एस. आगे सारे कैलकुलेट ही करने हैं, फाइव पार्ट्स हैं. तो नंबर वन डाल लीजिए. अब एम पी सी की वैल्यू क्या होगी? नाउ वी नो वेरी वेल सी फंक्शन का इक्वेशन क्या होती है, ए प्लस बी वाई. ए है यहाँ पर 200 ऑटोनमस कंजम्पशन, बी कितना है, बी होता है एम पी सी, दैट इज गिवन 0.8. बस आपने कुछ नहीं करना, आप लिखो MPC is equal to 0.8, that is already given. ठीक है, फिर पूछा है MPS. तो MPS का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस MPC. तो इट विल बी 1 माइनस 0.8. तो देन व्हाट हैव वी गॉट, 0.2. तो MPS आ जाएगा 0.2. ठीक है, दिस मच तो वी डायरेक्टली कैलकुलेट विद दिस इक्वेशन. अच्छा, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पार्ट देखिए, ऑटोनमस कंजम्पशन. Now we know very well consumption function में जो first value होती है वो क्या होता है, that is autonomous consumption. That means A is equal to 200. C function की जो first value ये लिखते हैं ना, small a plus b y, तो small a का मतलब autonomous consumption. तो बस कुछ नहीं करना, A is equal to 200. ये भी हो गया. अच्छा, उसके बाद हमें दिया है derive the corresponding saving function. मतलब इस consumption function की help से derive, derive means निकालना, find out करना, saving function. तो अब आप number 3 डाल के लिखो, S is equal to C bar plus BY. Number 3 डाल के S function निकालना ना, S is equal to C bar plus BY. अब right side पे एक line लगा के पहले उनके meaning लिख लो. C bar is equal to dis savings. B means saving function में B means MPS. And Y means income, right? Now you pay attention to consumption function. उसी की help से values बनाइए. अगर consumption function में autonomous consumption 200 है, तो that means saving function में वो क्या हो जाएगा? -200. S is equal to जो C bar हमारा dis saving है, वो हो जाएगी minus का sign लगाना पड़ेगा. -200 plus जो हमारे पास consumption function में B, M, P, C थी. तो यहां पर हमें क्या चाहिए, B is equal to MPS. तो ऊपर हमने पहले निकाला हुआ है MPS कितना था, 0.2. तो ये आ जाएगा -200 plus 0.2. आगे Y ऐसे ही लिख देना, इक्वेशन ही बनानी है ना, Y ऐसे ही लिख देना. इसको एनसर्कल कर लीजिए, जो जो हमारा मेन मेन आंसर है ना, उसको ऐसे बॉक्स में सर्कल में कर लीजिए. उसके बाद नाउ फोर्थ पार्ट, कैलकुलेट कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 3000 करोड़ एंड 500 करोड़. नाउ अब नंबर 4 डाल के प्लीज राइट सी फंक्शन अगेन, सी की इक्वेशन जो दिया हुआ है ऊपर, राइट इट अगेन. सी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8 वाई. ठीक, नाउ उसके बाद लिखिए, गिवन इफ इनकम इज 3000 करोड़, वाई इज इक्वल टू 3000. ठीक, अब कंजम्पशन फंक्शन में 3000 वाई की जगह पुट करके निकालिए कितना आता है. ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8 इनटू ब्रैकेट में कर लो, वाई की जगह पुट कर लो 3000. बस सिंपली देखो कितना आता है, यू कैन मैच द आंसर विद द बुक. 2600 आ रहा है बेटे, सोनाली आ रहा है बेटे 2600, आ गया? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखो, गिवन इनकम इज 5000. कुछ भी नहीं करना, अब वही कंजम्पशन फंक्शन में y की जगह 5000 पुट कर लीजिए. मींस व्हाटएवर इनकम लेवल इज गिवन, वो पुट कर करके अपनी वैल्यू निकालते जाओ. नवनीत कौर स्माइल नहीं करो, क्वेश्चन करो जरा जल्दी जल्दी, खुश हो के बस देखे नहीं जाना, अपने आप भी करो. वेरी गुड, हां जी बेटे, c इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8 इंटू वाई की जगह पुट कर दीजिए 5000. तो आई होप यू विल बी गेटिंग 4200. आ गया बेटे, हर्षा अरोड़ा, हैव यू गॉट 4200?
ठीक है, वेरी राइट, वेरी राइट. श्रेया ऑल्सो, श्रेया कलरा 4200 आ रहा है बेटे, वेरी गुड. लवदीप, ऑल कैन शेक देयर हेड, मैं देख रही हूँ सबको. ठीक है जी, ओके. अब नाउ फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, डिटरमिन द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम. नाउ राइट डाउन नंबर 5 डाल के आप लिखिए, एट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, एट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम. अगली लाइन में लिख लो, सी इज इक्वल टू वाई. यही होता है ना, ब्रेक इवन लेवल पे सी इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिख लो, सी इज इक्वल टू वाई. अब नेक्स्ट लाइन में सी की जगह सी फंक्शन पुट कर लीजिए. सी फंक्शन क्या दिया हुआ है, 200 प्लस 0.8 वाई इज इक्वल टू वाई. बस एक लाइन ये पहले वी हैव टू राइट, एट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम ये लिखना चाहिए हमें, एट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम सी कंजम्पशन सी इज इक्वल टू वाई, ये लिख के फिर नेक्स्ट लाइन में सी की जगह सी का फंक्शन पुट कर दो, वाई की जगह वाई ऐसे लिख दो. अब आप कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 200 प्लस 0.8y इज इक्वल टू वाई, फिर वाई एक तरफ कर लो, वाई माइनस 0.8y इज इक्वल टू 200, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारा कुछ करके आप देखिए, आर यू गेटिंग 1000, आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है. हाँ जी यति शर्मा, हैव यू गॉट 1000 आंसर? यस मैम. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. आई होप ऑल द चिल्ड्रन हैव डन ऑल द 5 पार्ट्स. ठीक है, ऐसे आपको पार्ट्स में आएंगे, 3 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स का, 4 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं 6 मार्क्स में, 1.5 करके ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू डू 18th क्वेश्चन. ये थोड़ा सा डिफरेंट है वैसे ही है, बट थोड़ी सी स्टेटमेंट में ही चेंज है, तो लेट अस सी. Now please read the statement of 18th question. हाँ जी नमन, हो गया बेटे पहला क्वेश्चन, हो गया सारा 17th के ऑल पार्ट्स, वेरी गुड. चलो बेटे नाउ प्लीज रीड 18th. इफ एमपीसी इज 4 टाइम्स एमपीएस एंड कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज रुपीज 70 crore, डिराइव कंजम्पशन फंक्शन. अब देख के तो लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया हमें, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अब क्या करना है, पहले ध्यान से देखो, MPC is 4 times MPS. तो पहले तो इसकी हेल्प से हमें ये दोनों वैल्यूज बनानी पड़ेंगी. पहले ऐसे लिख लो, MPC is 4 times MPS and consumption at zero level of income is 70. ठीक है, अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, consumption at zero level of income मतलब ये वैल्यू क्या है, दिस इज autonomous consumption. जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो भी consumption होती है that is called autonomous consumption. तो पहले तो यही लिख लेते हैं, इट मीन्स अटोनमस कंजम्पशन दैट इज ये वाला स्मॉल ए दैट इज इक्वल टू 70, इट इज ऑलरेडी गिवन, ये दिया ही हुआ है हमें. मतलब हमें बजाय सीधा ए लिखने के या अटोनमस कंजम्पशन लिखने के थोड़ा सा घुमा के लाइन दे दी है, तो वी नीड टू रीड केयरफुली. ठीक है, उसके बाद अब ये देखो, एम पी सी इज 4 टाइम्स एम पी एस. तो पहले ये रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं देखने के लिए कि कैसे बनेगा. तो ये एम पी सी रेशो एम पी एस, कोई भी लिख लो आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अब मान लीजिए अगर एम पी एस इज 1 तो एम पी सी क्या बताया उन्होंने, इसके 4 टाइम्स है, इसका 4 गुना है. तो अगर एम पी एस 1 है तो एम पी सी क्या है एज पर द लाइन स्टेटमेंट, 4 टाइम्स. तो ये हो गया 4 टाइम्स, हो गया 1 × 4, 4, ये रेशियो बन गई एम पी सी और एम पी एस की. अगर ये 1 रुपया है तो ये 4 रुपये है, उसका 4 गुना है, 4 टाइम्स है. ठीक, चाहे आप इसको पहले लिख लो चाहे इसको लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, अब इसका मतलब, अब इसको अगर पॉइंट में हमने सॉल्व करना हो तो आपने ये 9th 10th में किया हुआ है, फ्रैक्शन को रेशो को कैसे सॉल्व करते हैं, एम पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम पी सी इज इक्वल टू एम पी सी के नीचे जो लिखा हुआ है 4, ये 4 लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये दोनों वैल्यूज का जो टोटल होता है. ये मेरे ख्याल से आपने 9th या 10th में या 8th में किया हुआ है, तो ये दोनों का 4 + 1 = 5 हो गया. ठीक है, मतलब अगर 5 टोटल 5 है तो उसमें से 4 हिस्से एम पी सी है, 1 हिस्सा एम पी एस का है, स्टेटमेंट के मुताबिक यही था ना टोटल में से. तो टोटल फिर क्या हो जाएगा, दोनों को पहले ऐड कर लो, ये नीचे लिख लिया, उसमें से 4 हिस्से एम पी सी के हैं, तो ऐसे लिख दिया 4/5. तो अब डिवाइड कर दे 4 को 5 से, ये आ गया 0.8. ठीक है, उसके बाद हमें क्या पूछा था कि डिराइव कंजम्पशन फंक्शन. तो बस कुछ नहीं करना, सी फंक्शन की इक्वेशन पहले लिखिए, सी फंक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, वेयर ए इज अटोनमस कंजम्पशन, B means MPC, Y means income as it is. Now just substitute the values. C is equal to
ए है हमारे पास ऑलरेडी, वी हैव गॉट 70, इट वाज ऑलरेडी गिवन 70 प्लस ये वाला फॉर्मूला का प्लस इक्वेशन का, बी के जगह बी का हमने ये लिख दिया एमपीसी की वैल्यू 0.8, वाई की जगह ये वाई ही लिख देना है, ऐसे ही लिख देना है, बस इसको आप ऐसे सर्कल सा कर दो, आंसर आ गया हमारा। ठीक, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये था कि हमें एमपीसी या एमपीएस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, कुछ और फॉर्म में करके दिया हुआ है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो यू कैन सी दिस एग्जाम्पल इन द सेम मैनर यू कैन फाइंड आउट। ठीक है जी, चलो नाउ 19th क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप का है, पहले आप कोशिश करिए, बिल्कुल सेम टाइप का है, एक ही लाइन का डिफरेंस है बस। 19th क्वेश्चन, द कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ₹60 करोड़ ऑन वाई एक्सिस। इफ एमपीसी एमपीएस रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1:3, देन डिराइव कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन, ऑल्सो डिटरमिन लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग बिकम्स जीरो। बहुत हैवी सी लाइन लग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोली एंड स्टेडली एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि व्हाट हैज बीन गिवन। तो लेट अस टेक फर्स्ट लाइन, कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 60 करोड़ ऑन वाई एक्सिस। अब आप वाई एक्सिस अपना रफ वर्क पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जरा ड्रॉ करिए एक डायग्राम की फॉर्म में। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट का मतलब कि कोई जो पॉइंट है हमारा वाई एक्सिस के ऊपर जहाँ 60 नंबर आता है वहां से स्टार्ट होता है। इनडायरेक्टली इस लाइन का मीनिंग है इंटरसेप्ट ऑफ 60 करोड़ ऑन वाई एक्सिस मीन्स कि वी आर गिवन ऑटोनमस कंजम्पशन। वाई एक्सिस के ऊपर होने का मतलब है कि वहां पर इनकम लेवल जीरो था बट खर्च हमारा जो भी पर्सन है या कंट्री है उसका हो रहा है 60 करोड़। तो आपने ऐसे लिख देना इंटरसेप्ट ऑफ 60 करोड़ ऑन वाई एक्सिस मीन्स ऑटोनमस कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू 60। ये हमें इनडायरेक्टली हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, सीधा नहीं बताया हमें ऑटोनमस कंजम्पशन, उसकी जगह थोड़ी सी लंबी चौड़ी सी लाइन बना दी, बट आपने लाइन पढ़ के समझना है कि इसका मतलब क्या है। सो ये हो गया हमारा ऑटोनमस कंजम्पशन 60। आफ्टर दैट नाउ प्लीज राइट इन द सेम वे एज गिवन इन द स्टेटमेंट, क्या दिया है एमपीसी रेशियो एमपीएस, इट इज गिवन 1:3, तो पहले ऐसे लिख लो एमपीसी इज टू एमपीएस। अब जिसके नीचे जो दिया है वो ऐसे केयरफुली लिखना है, ठीक है 1:3। नाउ एमपीसी अगर निकालना हो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का पहले टोटल कर लो 1+3 4, जो टोटल है उसको नीचे लिख लेते हैं, फिर एमपीसी की वैल्यू क्या अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वो है 1, तो ये लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल 3+1 4, 1/4। तो 1/4 अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखना हो तो ये आ जाएगा 1 को 4 से डिवाइड कर दें, यू विल गेट 0.25। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हो गई जो हमें चाहिए फॉर मेकिंग कंजम्पशन फंक्शन। तो नाउ राइट द इक्वेशन c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, फिर c इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दें, a की वैल्यू 60 ये वाली 60 प्लस b, b की वैल्यू वी हैव गॉट दिस 0.25, ये लिख दिया 0.25 इनटू y, ये वाला y, ठीक है, ये इसको आप ऐसे सर्कल कर दीजिए, ये हमारा हो गया कंजम्पशन फंक्शन। आफ्टर दैट क्या पूछा, सेविंग फंक्शन भी निकालिए, ये भी पूछा है। अब इसी की हेल्प से हम सेविंग फंक्शन भी निकाल सकते हैं। नाउ सेविंग की पहले इक्वेशन राइट डाउन, एस इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लो पहले इक्वेशन सी बार प्लस बी वाई, वेयर एक साइड पे लिखना हो तो आप लिख सकते हो वेयर सेविंग फंक्शन में सी बार का मतलब क्या होता है डिस सेविंग्स, ठीक है डिस सेविंग, एंड बी का मीनिंग क्या होता है एमपीएस एमपीएस, और वाई मीन्स इनकम, ठीक है ये मैंने इधर लिख भी दिया है, बी मीन्स एमपीएस। अब एमपीएस कितना है, एमपीएस इज इक्वल टू, अब अगर हमें नहीं पता है नो प्रॉब्लम, एमपीसी वी हैव ऑलरेडी गॉट, ये निकाला हुआ था ना एमपीसी 0.25 है, तो फॉर्मूला क्या होता है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो 1 में से जो चीज निकालनी है उसको छोड़ के दूसरी चीज को माइनस कर दो, तो ये 1 में से आपने एमपीसी माइनस कर दिया 1 - 0.25, तो ये आ गया 0.75, ये आ गया हमारा एमपीएस, और सी बार का मतलब डिस सेविंग, और डिस सेविंग क्या होती है, जो कंजम्पशन फंक्शन में ऑटोनमस कंजम्पशन होती है द सेम वैल्यू बिकम्स डिस सेविंग इन सेविंग फंक्शन। तो ये 60 है, तो सेम वे वी हैव रिटन हियर -60, ठीक प्लस ये प्लस का साइन, बी की जगह एमपीएस लिख दो जो निकालना है 0.75, वाई ऐसे लिख देना, बस ये हमारी इक्वेशन बन गई सेविंग फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, ऑल्सो डिटर्मिन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग बिकम्स जीरो।
कि अगर सेविंग जीरो हो तो निकालो कि उस समय इनकम कितनी होगी। तो पहले लिख लो इफ सेविंग इज जीरो तो इनकम कितनी होगी। तो सेविंग फंक्शन में आपने वैल्यू पुट कर देनी है सेविंग की जीरो। यही जो सेविंग फंक्शन निकाला ना, ये एस की जगह राइट द वैल्यू, पुट द वैल्यू जीरो इज इक्वल टू, बाकी वही है -60 प्लस यही वाला 0.75y। ठीक है, तो ये माइनस के 60 इधर आके प्लस के 60 हो गए, इधर बच गया 0.75y। अब y की वैल्यू निकाल लो, ये y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी ये 60 डिवाइडेड बाई 0.75 ये वाला। ठीक है, फिर ये पॉइंट का 100 आ गया, अपसाइड डाउन सारा कुछ कर करा के यू विल गेट 60 इंटू, ये इसके नीचे 100 आ जाएगा ना, पॉइंट को रिमूव करे तो 100/75 सारा कुछ करके आ जाएगा आपके पास 80 रुपीज। करोड़ में है वैल्यू तो साथ में लिख देना करोड़, रुपीज 80 करोड़, राइट। ठीक है, अब आपने, आपको याद हो जाएगा कंजम्पशन फंक्शन दिया हो तो वेरी इजिली वी कैन फॉर्म सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ दैट। अगर इस तरह से रेशियो की फॉर्म में हमें वी आर गिवन इन्फॉर्मेशन, तो पहले आप कोई भी वैल्यू निकाल लो, कोई भी दोनों में से निकाल लो, एक निकल जाएगी एमपीसी या एमपीएस में से, अदर वन तो वन में से माइनस करके अपने आप ही वी कैन कम टू नो। ठीक है, चलो अब आप कोशिश करिए, लेट अस सी 20th क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू डू, ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट विद इट, लेट अस ट्राई टू बी फास्ट। 20th क्वेश्चन करिए जल्दी से, पहले ट्राई योर सेल्फ, नहीं निकलेगा देन यू सी द सोल्यूशन। लेट अस सी व्हाट इज गिवन, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर एन इकोनमी अकर्स एट इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। ठीक है, इफ एम पी सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6 देन फाइंड डिटरमिन ऑटोनमस कंजम्पशन सेविंग फंक्शन लेवल ऑफ इनकम। आगे तीन चीजें निकालनी है, तो फर्स्ट स्टेप, वीडियोज ऑफ कर दिए सबने है, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है, कीप योर वीडियोज ऑन। हाँ जी, तो फर्स्टली लेट अस राइट व्हाट इज गिवन, ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट इनकम ऑफ रुपीज 500 करोड़। ये इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन, तो एज इट इज वी राइट इट, ऐसे लिख लेते हैं। लिखने का मतलब ये है कि पढ़ के हमें एकदम सामने होगा तो वी इजिली कम टू नो कि हमें क्या दिया और क्या निकालना है। तो लिख लिया ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट इनकम ऑफ रुपीज 500 करोड़। तो इनडायरेक्टली दे हैव टोल्ड कि एट दिस पॉइंट, इट मीन्स एट दिस पॉइंट क्या था यहाँ पे, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम बिकॉज ऑलरेडी इन द स्टेटमेंट दे हैव टोल्ड कि यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट था। तो इसका मतलब जब सी इज इक्वल टू वाई होता है एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो अगर यहाँ पर इनकम 500 है तो इसका मतलब है कि कंजम्पशन इज ऑल्सो 500। तभी बात बनेगी ना, सी इज इक्वल टू वाई, तो अगर वाई 500 है तो दैट मीन्स सी इज ऑल्सो 500। तो आप लिखोगे इट मीन्स कंजम्पशन इज ऑल्सो 500 बिकॉज ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद व्हाट एल्स इज गिवन, क्या दिया हुआ है, एम पी सी इज 0.6, तो लेट अस राइट एम पी सी, ये लिख लिया 0.6। नाउ अब नंबरिंग कर लीजिए, व्हाट इज टू बी डन, फर्स्ट पार्ट ऑटोनमस कंजम्पशन। ठीक, तो ऑटोनमस कंजम्पशन के आगे क्वेश्चन मार्क डाल लिया, मीन्स दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। नाउ हाउ टू कैलकुलेट, फर्स्टली राइट सी फंक्शन, इक्वेशन लिख लीजिए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सी की वैल्यू कैसे पता चली, बिकॉज ये ऊपर हमने पहले निकाला हुआ है, ऑलरेडी दिया है कि सी इज ऑल्सो 500, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट था। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सी इज इक्वल टू 500 इज इक्वल टू, ए हमें नहीं पता है, दिस इज टू बी फाइंड कैलकुलेटेड, तो ए ऐसे ही लिख दिया, प्लस बी की जगह लिख लिया ये 0.6 इंटू, वाई की जगह भी आ जाएगा हमारे पास 500, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी कंजम्पशन भी 500 है एज वेल एज इनकम इज ऑल्सो 500, तो हेयर ऑल्सो वी कैन सब्स्टिट्यूट 500। नाउ यू सी ऑल वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड एक्सेप्ट दिस ए, सिर्फ ये निकालना है। अब आप इसको लेफ्ट राइट जो भी करना है सारा कुछ करिए, यू विल गेट दिस पार्ट व्हेन यू सॉल्व यू गेट 300, ये 300 इधर आके माइनस हो गया, तो ए आ गया हमारा 5 - 300 = 200। ठीक है, ये इसको फिर सर्कल कर दीजिए, ए इज इक्वल टू रुपीज 200 करोड़, ये होगी हमारी ऑटोनमस कंजम्पशन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सेकेंड क्या है, सेविंग फंक्शन। तो ऐसे ही लिख लो सेविंग फंक्शन क्वेश्चन मार्क, मीन्स ये निकालना है।
अब आप पहले इसके रिलेटेड वैल्यूज देखो क्या होती है, क्या हो सकती हैं। इफ एम पी सी इज 0.6 एज पर द स्टेटमेंट, ये वाली, तो अगर एम पी सी 0.6 है तो एम पी एस कितना होगा, एम पी एस इज इक्वल टू 1 में से इसको माइनस कर दें, 1 माइनस 0.6, तो दिस हैज कम आउट टू बी 0.4। ठीक है, अब इधर आप, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा है, आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी कर लो। नाउ वी नो अगर ऑटोनमस कंजम्पशन आई है हमारे पास 200, ये वाली ए इज इक्वल टू 200, तो दैट मीन्स देयर फोर दिस सेविंग्स विल बी माइनस 200। यहाँ शायद मैंने माइनस का साइन नहीं डाल पाई, दिस सेविंग माइनस 200, इक्वल टू का ये साइन लगा हुआ, माइनस का तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, आप माइनस का साइन भी लगा लो, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन में जो ऑटोनमस कंजम्पशन है वही सेविंग में हमारी माइनस हो जाती है, डिस सेविंग। तो बस अब नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू ये सी बार दैट इज डिस सेविंग प्लस बी वाई, तो सी बार की जगह लिख दिया माइनस 200 प्लस बी की जगह ये कैलकुलेट किया हुआ है हमने एम पी एस 0.4y। बस नाउ दिस इज अवर सेविंग फंक्शन। ठीक है, इसको बॉक्स में कर दो, सर्कल में कर दो। नाउ क्विकली फाइंड थर्ड पॉइंट, लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इज 600 रुपीज। ठीक, अब सेविंग की वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब सेविंग वाले फंक्शन में वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट दिस वैल्यू इन सेविंग फंक्शन, तो ये आ जाएगा एस